अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है हमजा हारिस और आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन विद हमजा हारिस। आज हम मौजूद हैं कार स्पॉट ऑटोमोबाइल्स पर और आज हम आपके लिए लाए हैं रिव्यू 2021 की हुंडई सोनाटा 2.5 वेरिएंट का रिव्यू। तो व्यूअर्स, इस गाड़ी का ओवरऑल लुक काफ़ी गॉडी है और ये गाड़ी फ्रंट से भी जो है काफ़ी जो है मैसिव है। और अगर आप इसकी लाइट्स देखें तो इसमें एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं और यहाँ पे आपके पास जो है अपने ब्लिंकर्स आपको देखेंगे नीचे की तरफ। ये जो है ये आपको लगेगा कि ये क्रोम ट्रिम है, लेकिन ये नॉर्मल क्रोम ट्रिम नहीं है। इसके अंदर जो है बहुत स्मॉल जो है ना, बहुत छोटी सी एलईडीज फिटेड हैं और ये जो है यहाँ तक लाइट अप होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइट अप होता है। उसके अलावा फिर अगर आप जो है इस गाड़ी के मिडिल की तरफ आएँ तो इसमें काफ़ी जो है बड़ी ग्रिल है और ये इसका मिडिल में आपका हुंडई का एल्बम एम्बलम है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक क्रोम गार्निश है। नीचे की तरफ भी जो है आपका बम्पर जो है वो ब्लैक कलर में और वाइट के साथ काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रास्ट में आ रहा है। इस गाड़ी का जो बोनेट है, जो इसका हुड है, वो भी काफ़ी मैसिव साइज़ का है। और यहाँ पे आपकी जो है ये क्रोम स्ट्रिप पूरी गाड़ी पे जो है कंटिन्यू हो रही है। अब हम इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ आते हैं। इस गाड़ी में 18 इंच एलॉय व्हील्स आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है डिज़ाइन किए हुए इसके व्हील्स। और इसके व्हील्स जो हैं आप देख सकते हैं कि सिल्वर और ब्लैक के कॉन्ट्रास्ट के साथ। उसके बाद ये गाड़ी अगर आप साइड से देखें तो काफ़ी जो है लंबी है और इसके जो है आपके साइड पे एक यहाँ पे आपको एक ब्लैक स्ट्रिप जो है वो कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। उसके अलावा जो आपकी क्रोम स्ट्रिप है वो यहाँ भी कंटिन्यू हो रही है डोर फ्रेम्स के पास। और इस गाड़ी में आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलते हैं और यहाँ पे आपके पास इसकी जो है वो एलईडी ब्लिंकर्स हैं। इस गाड़ी में कीलेस एंट्री भी मौजूद है। तो व्यूअर्स, अब हम इस गाड़ी के जो है बैक साइड की तरफ आ चुके हैं। आपको देखेगा कि इसकी जो रियर लाइट्स हैं वो हैवीली होंडा सिविक से इंस्पायर्ड हैं, जो अभी करंट जनरेशन पाकिस्तान में चल रही है उससे काफ़ी इंस्पायर्ड है इसकी रियर लाइट्स। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है आपकी रियर लाइट्स, लेकिन जो है नीचे की तरफ से जो है वो कनेक्ट हो रही हैं इस स्ट्रिप के थ्रू। उसके बाद आपके पास यहाँ पर अपने वेरियंट की बैजिंग है। ये 2.5 लीटर इंजन के साथ आता है तो इस पर 2.5 यहाँ पर आपको लिखा नज़र आएगा। यहाँ पर आपकी सोनाटा की बैजिंग है, ये आपके पास जो है हुंडई का एम्बलम है। और यहाँ पे आपके पास जो है रेयर कैमरा है, जो कि आपको बहुत कम गाड़ियों में इस तरह से रेयर कैमरा दिखता है। उसके अलावा इसमें पीछे की तरफ भी आपको सेंसर्स मिलते हैं। पीछे का बम्पर भी काफ़ी स्पोर्टी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें पूरा जो है ब्लैक, वाइट और सिल्वर आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है उसका। नीचे की तरफ आपके पास अपनी ब्रेक लाइट्स भी मौजूद हैं। ऊपर की तरफ आएँ, रेयर की तरफ आएँ तो आपके पास यहाँ ऊपर जो है आपका ब्रेक लाइट यहाँ भी मौजूद है। तो व्यूअर्स, इस गाड़ी की ट्रंक जो है वो आप इसके रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी ट्रंक स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि नॉर्मल गाड़ियों से बहुत ज़्यादा मैसिव ट्रंक है इसकी। उसके अलावा यहाँ पर आपका अपना स्पेयर व्हील और उसके साथ अपना जैक और तमाम दीगर टूल्स मिलते हैं जिनसे आप अपनी गाड़ी का टायर रिपेयर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस गाड़ी के अगर हम ड्राइवर साइड डोर की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको एक जो है हैज़र्ड लाइट कह लें आप इसको, या फिर आप इसको एक जो है ना वार्निंग लाइट कह लें, ये यहाँ पे लगी हुई है ताकि अगर आप रात में या कहीं डार्क सी जगह पर अपना दरवाज़ा खोलें तो पीछे आने वाली गाड़ी अलर्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है बेज कलर का हैंड रेस्ट है और इसके अलावा ये आपके पास जो है एक क्रोम टाइप जो है ना, सिल्वर टाइप यहाँ पे ट्रिम मौजूद है और आपका हैंडल भी उसी टाइप के कलर का है और वो इस ट्रिम से जाके जो है कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे अपना जो है एक स्पीकर दिया हुआ है आपको ड्राइवर साइड डोर में और ये यहाँ पे भी आपका एक स्पीकर है। यहाँ पर आपके कप होल्डर्स और सब है और इस गाड़ी में जो है रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं और जो ड्राइवर है वो चारों ही विंडोज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकता है और चारों ही विंडोज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं। और इधर ही आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे अपने सारे साइड मिरर कंट्रोल्स भी मिलेंगे।
तो व्यूअर्स अगर हम इस गाड़ी के ड्राइवर की लेफ्ट साइड पे आएँ तो यहाँ पे आपके पास जो है अपना स्पीडोमीटर के लिए जो ब्राइटनेस है उसको चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। उसकी ब्राइटनेस आप जो है लो और हाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपके ट्रंक ओपन करने का यहाँ पे बटन दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का भी बटन दिया गया है। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक मौजूद है। अगर हम इस तरफ आएँ तो यहाँ पे आपका हुड ओपन करने के लिए भी लेवर दिया गया है। इस साइड पे आपको जो है एसी वेंट भी मौजूद है ड्राइवर के लिए। इस गाड़ी में आपको जो है इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड सीट्स मिलती हैं जो कि आप बटन्स के थ्रू जो है कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर अपने सारे ब्लिंकर कंट्रोल्स मिलेंगे और लाइट कंट्रोल्स मिलेंगे जो कि सब आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना ब्लिंकर जो है उसको भी ऑन कर सकते हैं और उसके अलावा अपनी हेडलाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस गाड़ी में व्यूअर्स आपको एक काफ़ी यूनिक स्टेयरिंग व्हील मिलता है। इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है वो 4-spoke है और स्टेयरिंग व्हील के राइट साइड की तरफ आपके पास जो है यहाँ पे अपना पैडल शिफ्टर है गियर अप करने के लिए, और यहीं पे आपके जो है सारे क्रूज कंट्रोल के बटन्स ऑप्शन क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस मौजूद हैं। क्रूज कंट्रोल के बटन्स इधर से आप अपना क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं और यहीं से आप अपने क्रूज कंट्रोल की स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं और जो है उसको यहीं से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम स्टेयरिंग के मिडिल की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपके पास जो है अपना Hyundai का लोगो है, एम्बलम है, और यहाँ पे स्टेयरिंग की लेफ्ट साइड की तरफ आपको जो है यहाँ पे सारे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिलते हैं। इस गाड़ी में ये मल्टीमीडिया कंट्रोल मल्टीमीडिया स्टेयरिंग आपको मिलता है। उसके अलावा आपको फिर जो लेफ़्ट साइड है स्टेयरिंग की उस तरफ आपको यहाँ पे उसके पीछे स्टेयरिंग के बिल्कुल आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका ब्लिंकर वो यहाँ पे आपके वाइपर कंट्रोल्स हैं। और काफ़ी गाड़ियों में जगहें निगलेक्टेड होती हैं, बहुत जो है उनकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। व्यूअर्स इस गाड़ी में जो है आपको पुश स्टार्ट मिलता है और स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड पे ही आपको जो है यहाँ पे पुश स्टार्ट का बटन दिख जाएगा। तो व्यूअर्स इस गाड़ी में आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा मॉडर्न इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें आपके पास एप्पल कारप्ले और ऑडियो और एंड्रॉयड ऑटो मौजूद है। उसके अलावा ये जो है टच कंट्रोल्ड है पूरा आपका जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास टच बटन्स हैं अपने जो है इसको कंट्रोल करने के लिए अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को, और ये स्टेयरिंग से भी आपके कंट्रोल हो जाते हैं। इंफोटेनमेंट के सिस्टम के बिल्कुल नीचे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपके दो एसी वेंट्स मिलते हैं आपको, और इस गाड़ी में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, मतलब पैसेंजर अपना और ड्राइवर अपना क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है अपनी फ़ैन स्पीड लो और हाई करने के बटन्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपके सारे जो मतलब क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स हैं वो सब इस पैनल में मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे की तरफ आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपके पास एक USB सॉकेट दिया हुआ है यहाँ पे अपना चार्जर प्लग इन करने के लिए, और एक और USB सॉकेट दिया हुआ है जिसमें आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए USB लगा सकते हैं। इस गाड़ी में वायरलेस चार्जर है, तो ये जो QI लिखा हुआ है तो इसका ये जब आप यहाँ पे अपना फ़ोन रखेंगे और वो चार्ज होगा तो यहाँ पे इसमें नीचे लाइट जलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है 12 वोल्ट का एक सॉकेट दिया हुआ है अपनी एक्सेसरीज प्लग इन करने के लिए। बीच यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे आपका गियर सेलेक्टर है, और गियर सेलेक्टर भी काफ़ी सिंपलिस्टिक सा डिज़ाइन में है, और यहाँ पे आपके पास ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और पार्क के चार बटन्स आपको यहाँ पे मौजूद दिखेंगे। इस गाड़ी को आप जो है बाकी इस गाड़ी में आपको यहाँ पे अपने दीगर और बटन्स दिखेंगे। ये आपके पार्किंग सेंसर ऑफ करने के लिए बटन आपको दिया हुआ है। ये आपका जो है व्यू का बटन है जिससे आप अपना व्यू देख सकते हैं गाड़ी के सराउंडिंग्स। उसके अलावा ये ड्राइव मोड का बटन है, और ये उसके नीचे जो लेवर दिया हुआ है उससे आपका ड्राइव मोड चेंज होता है, तो आप इस ड्राइव मोड को जो है चेंज कर सकते हैं। और इंफोटेनमेंट सिस्टम में इसके बारे में लिखा आता है कि कौन से ड्राइव मोड में आप चला रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑटो होल्ड का बटन भी मौजूद है। इस गाड़ी के जो है आपको यहाँ पे फिर गियर सेलेक्टर और इन दीगर बटन्स के साइड में ही आपको यहाँ पे दो कप होल्डर्स दिखेंगे, और जो इसका कंपार्टमेंट बॉक्स है वो भी काफ़ी सिंपलिस्टिक है, इसमें कोई ज़्यादा जो है ना चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी।
अगर हम गाड़ी के ग्लव बॉक्स की तरफ आएँ तो ये भी बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसमें भी कोई ना लाइट है ना इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर्स मौजूद है। अगर हम अपर सेंटर की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपके पास दो लाइट्स मौजूद हैं जिनको आप इस बटन से जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और बाकी आपके पास जो है ये अपना सनरूफ कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन दिए गए। वैसे तो इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ है, लेकिन सिर्फ उस पैनोरामिक रूफ का थोड़ा सा हिस्सा जो है आप उसको खोल सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस गाड़ी में आपको पीछे की तरफ भी जो है दो एयर वेंट्स मिलेंगे अपने जो पीछे के पैसेंजर्स हैं उनके लिए, और यहाँ पे आपको एक जो है वो सॉकेट मिलेगा अपनी एसेसरीज प्लग इन करने के लिए, USB सॉकेट। व्यूअर्स, अगर हम इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो इस जो ये वेरिएंट है 2.5, ये आपको समवेयर बिटवीन 70-80 lakhs के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाएगा, और कई जगह पे ये 85 lakhs का भी सेल हो रहा है। उसके अलावा आई होप कि आज का रिव्यू आप लोग को पसंद आया हो, हमारा Hyundai Sonata 2.5 का रिव्यू आप लोग को हमारा ये पसंद आया हो। और ऐसे मज़ीद और रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको और कौन सी गाड़ियों के रिव्यूज़ देखना जो है वो पसंद आएगा, और हम इंशाल्लाह उन गाड़ियों के रिव्यूज़ भी आपके लिए लाएंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।